मेरा नाम जी गुलाम मोहम्मद, हम जी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रिटायरमेंट हैं, हम इसमें सीआरपीएफ में थे। वो तो खाली करा रहे हैं, कई बार उखाड़ने टेंट आ गए तो सब लोग टेंट वालों, आप खुद दरियाफ्त कर लो, हम अगर झूठ कह रहे हो तो। ये तो ऐसे ही कहते हैं, ये इतना पैसा यहाँ पर आया, हम लोग क्या दिया इन्होंने, खाना खिलाया बाकी क्या दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी तक हमें सर कोई मदद नहीं मिली, कहीं से कोई मदद नहीं मिली, ना गवर्नमेंट से मदद मिली, ना बकबोर्ड से कोई मदद मिली हमें। बस बकबोर्ड से हमें सिर्फ खाना तो मिला है, बाकी कोई, और ये मतलब कंबल, चारपाई और ये गद्दा, तकिया, ये तो सब मिला है, बाकी कोई हमें पैसा नहीं मिला। जो कि मतलब आज अब कहीं जाना चाहें तो 10-20-50 रुपये अगर किराए लगे तो मैं दे दूँ, वो भी नहीं मेरे पास। पहले शुरू शुरू में तो खाना पीना भी सही मिलता रहा, और कहीं तरह मतलब आज चार तीन चार दिन से जो है मतलब ये कह रहा है कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। तो अब हमारे घर जाने के लिए, हम तो किराएदार आदमी हैं, हमारे मकान मालिक के मकान में आग लग गई, वो भी वही किराए पे रह रहे हैं, वो भी घर नहीं गए अभी। अच्छा, उसमें बत्ती भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सब वायरिंग जल गई बिजली की, तो हम कहाँ जाएँगे। अब खाना भी आज दो तीन दिन से टाइम से नहीं मिल रहा, अभी 4 बजे खाना खाया, चावल मंगवाए बाहर से बना के, अब कह रहे हमें पता नहीं है, आप लोग कहीं जाओ अपना राशन ले लो और यहाँ रस्ते काटो, अगर 3,000 रुपये देंगे, वो 3,000 रुपये भी आज मना कर रहे हैं। जो कल चले गए उनको 3,000 दे दिए, अब हम लोगों को 3,000 देने में मना करें, बोला पैसा ही नहीं, ख़त्म हो गया, मैं कहाँ से लाऊँ। हम लोग इस वक्त बहुत परेशानी में हैं, अब हमारा तो हम ही जानते हैं हमें कितनी तकलीफ़ है। मोहम्मद अख्तर के मकान में किराएदार थे, शिव विहार में, फेज 6 मकान नंबर 256 गली नंबर 14, तो उनके मकान में आग लगा दी। हमारा कोई जला तो नहीं है, लेकिन हमारा लूट वूट सब हो गई है, जेवरात चले गए सब, और हमारा मतलब जो कैश था वो भी चला गया, कोई चीज़ बची नहीं मेरे पास, और गाड़ी जो है बाइक में आग लगा दी। तो हम इसमें मतलब बड़ी मुश्किल जंग बचा के हम यहाँ आए थे, शुरू शुरू में तो सही खाना वाना मिला, अब जो है मतलब परेशानी परेशानी हो रही है हमें। अब हमें कहते हैं कि आप कहीं जाओ, हमें मतलब नहीं है, टेंट भी 2-3 बार उखाड़ने की कोशिश की, 2-3 बार चारपाइयाँ बाहर निकलवा दी, लेकिन हम लोगों को अब कहाँ जाएँगे, तब वो माने, अब कह रहे हमें नहीं मालूम आज खाली करना किसी की, मतलब कहीं जाओ कुछ नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे बताओ जरा, सब हम इतने परेशान हैं हम लोग यहाँ पे, जिसका रहने ठिकाना नहीं, अपना घर नहीं, कोई नहीं, कहाँ जाएंगे हम, समझे। अब वो अब आप 3,000 रुपये भी ले रहे, कहीं मान लो जाके हम अगर दो तीन हज़ार 4,000 में कहीं किराए पे भी कमरा, वो भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि जेब में पैसे नहीं हमें। यही सबका है, जितने भी यहाँ हैं सबका यही हाल है, हर आदमी परेशान है यहाँ। लड़का काम करता था वो भी बंद है, 1 महीना से ऊपर हो गया काम बंद हुए, कुछ नहीं, हम तो पैसे तबाह हो रहे, परेशान हो रहे यहाँ पे। अब यहाँ जाओ तो 5-6 हज़ार के किराया मांग रहे, कमरे को बता रहे रूम की, अब कहाँ से लाए, हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे हम। और लड़का हमारा काम करता है सिलाई का, गांधी क्या नाम, सिलाई का काम करता, और ये पटरी का और रेहड़ी पटरी नहीं लगाते बाज़ार में, वो वैसे मेन काम तो ये पटरी रेहड़ी का है, और जब नहीं होता तो अपना सिलाई भी कर लेता है, ऐसे गुजारा हो रहा हमारा।